हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका हम इंग्लिश कई तरीके से बनाते हैं। अगर हम हिंदी में एक तरीके से बोल रहे हैं तो उसका इंग्लिश हम चार चार तरीके, पांच पांच तरीके से, छः छः तरीके से बोलते हैं। हम आज उसी तरह के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उसी तरह के सेंटेंसेस को सीखेंगे जिसका इंग्लिश हम कई तरह से बोल सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हमें सभी तरह के सभी वे का पता होना चाहिए इंग्लिश में, जिस तरीके से भी हम इंग्लिश में बनाते हैं, ताकि हम किसी से भी बात कर रहे हो तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करे सामने वाला तो हम समझ सके। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि क्या आप दरवाज़ा खोलने की कृपा करेंगे? क्या आप थोड़ा खिसकने की कष्ट करेंगे? क्या आप यहाँ बैठने की कृपा करेंगे? क्या आप मेरे साथ आने की कृपा करेंगे? इस तरह के सेंटेंस, सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंसेस को लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या आप एक गीत गाने की कृपा करेंगे? या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आप एक गीत गाने की कष्ट करेंगे? तो इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं विल यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, या वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, या वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग, या वुड यू बी सो काइंड, या Be so good to sing a song। ये चार तरीके हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम कौन सा जानते हैं? विल यू, ओके, या वुड यू। बट दूसरा जो तरीका है उसका भी हम इस्तेमाल या काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को। ओके फ्रेंड्स, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार देने की कृपा करेंगे? विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, वुड यू बी सो गुड, या बी सो काइंड भी बोल सकते हैं हम। तो वुड यू बी सो गुड एज टू लेंड मी मनी। क्या आप मुझे अपना नाम बताने की कृपा करेंगे? विल यू टेल मी योर नेम प्लीज, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू बी सो गुड एज टू टेल मी योर नेम। क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाने की कृपा करेंगे? विल यू टीच मी इंग्लिश प्लीज, वुड यू टीच मी इंग्लिश प्लीज, वुड यू माइंड टीचिंग मी इंग्लिश, वुड यू बी सो काइंड एज टू टीच मी इंग्लिश। क्या आप मुझे अपना घर दिखाने की कृपा करेंगे? विल यू शो मी योर हाउस प्लीज, वुड यू शो मी योर हाउस प्लीज, वुड यू माइंड शोइंग मी योर हाउस, वुड यू बी सो काइंड टू शो मी योर हाउस। क्या आप मेरे साथ नाचने की कृपा करेंगे? विल यू हैव अ डांस विथ मी प्लीज, वुड यू हैव अ डांस विथ मी प्लीज, वुड यू माइंड Having a dance with me? Would you be so kind as to have a dance with me? इस तरह के सेंटेंसेस को हम चार चार तरीके से बोल सकते हैं, और आपको इसमें जो भी तरीका अच्छा लगता हो, जो भी ईजी लगता हो, वो आप बोलिए, लेकिन चारों को याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगला जो कंसेप्ट है वो है अपने लिए जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल करूं, या क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्या मैं आपकी जगह पर बैठूं, क्या मैं आपकी जगह पर बैठ सकता हूं, ऐसे तो आपको पता होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किस तरह के इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मे आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और करते भी हैं, बट इसको हम और भी दो तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले लूं, या हम इसको ऐसे भी हिंदी में पूछते हैं कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो कुड आई टेक योर पेन, या शैल आई टेक योर पेन, या मे आई टेक योर पेन। हम मे की जगह पर माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मे या माइट, तो माइट आई टेक योर पेन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में भी थोड़ा हम और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं आपका टेलीफोन उपयोग कर सकता हूँ,
या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग करूं? कुड आई यूज़ योर टेलीफोन? शैल आई यूज़ योर टेलीफोन? मे या माइट आई यूज़ योर टेलीफोन? क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? या क्या मैं आपसे कल मिलूं? कुड आई मीट यू टुमारो? शैल आई मीट यू टुमारो? मे आई मीट यू टुमारो? या हम माइट भी बोल सकते हैं कि माइट आई मीट यू टुमारो? क्या मैं आपकी कलम से लिखूं? कुड आई राइट विथ योर पेन? शैल आई राइट विथ योर पेन? मे या माइट? मे आई राइट विथ योर पेन? लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंसेस को ऐसे बोलते हैं कि मेरी थोड़ी मदद की जाए, या हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे थोड़ी मदद करने की कृपा करें, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कुड यू हेल्प मी अ लिटल ऐसा बोल सकते हैं। मुझे अपनी पेन देने की कृपा करें। कुड यू गिव मी योर पेन? प्लीज़ गिव मी योर पेन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम किसी से कुछ करने को पूछते हैं और उसमें हमारी उपस्थिति भी ज़रूरी होती है, मतलब हम उससे जो कुछ करने के लिए पूछ रहे हैं उसमें हमारी उपस्थिति भी ज़रूरी होती है, यानी कि हमारे बिना भी वो काम नहीं होगा, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुड, वुड, मे, माई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में हम ज़्यादातर सिर्फ शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, इसमें पूछने से पता चल जाता है कि मैं भी डांस करने वाला हूँ, यानी कि मैं भी उसमें उपस्थित हूँ, मेरी भी उपस्थिति वहाँ पर है। इसलिए इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं, या तो हम हिंदी में ऐसे भी पूछते हैं कि हम डांस करें क्या, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि शैल वी डांस टुगेदर? क्या आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं? शैल वी डाइन टुगेदर? हम इसको ऐसे भी बोलते हैं हिंदी में कि हम साथ में खाना खाएं क्या, तो शैल वी डाइन टुगेदर? हम मूवी देखने चले क्या, या क्या आप हमारे साथ मूवी देखने आ सकते हैं? शैल वी गो टू वॉच मूवी? इस तरह के सेंटेंसेस को हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मे या माइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं, पूछते हैं, और उसमें हमारी उपस्थिति भी ज़रूरी होती है, तो हम सिर्फ शैल का इस्तेमाल करेंगे। शैल आई, मैं आपके घर कल आऊं क्या? तो इसमें हम कूड लगाकर भी बोल सकते हैं, शैल आई भी लगाकर बोल सकते हैं, मे आई लगाकर भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि आप मेरे साथ आएंगे क्या, या हम चले क्या, दोनों एक ही बात हो गई, आप मेरे साथ आएंगे क्या, तो वैसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए सिर्फ शैल वी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए शैल वी का इस्तेमाल करते हैं। सो शैल वी गो? ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। और काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, मैं आपको एडवांस इंग्लिश में यही सब कुछ बता रहा हूँ ज़्यादातर, कि एक एक सेंटेंसेस को हम 4, 3, 5, 6 तरीके से हम बोलते हैं, वो सारे के सारे तरीके वे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कन्वर्सेशन के लिए, एक अच्छा कन्वर्सेशन के लिए सभी तरह के स्ट्रक्चर्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।